वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर ज्ञान। मैं हूं अरकम सिद्दीकी और आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहां पे सबसे पहले हम कोई वर्ड लिख लेते हैं, जैसे हम अपना चैनल का नाम लिख लेते हैं मास्टर ज्ञान। अब इसको आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत छोटा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको अगर हमको बड़ा करना है तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे 11 लिखा हुआ है। साइड में एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेनू की तरह बना हुआ है सिंबल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना बड़ा हम इसको करना है साइज़ में, हम वहाँ पे उतने पे ले जाएंगे। हम 48 पे जाके इसको क्लिक कर देते हैं तो ये मास्टर ज्ञान हमारा जो है बड़ा हो गया है इसका साइज। अब इसके फॉन्ट को अगर हमको चेंज करना है तो उसी के जस्ट साइड में हम जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो भी स्टाइल हमको चाहिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो हमारा स्टाइल चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जिस स्टाइल में आपको चाहिए आप उस स्टाइल में इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको एरियल में रखते हैं क्योंकि हमको और भी सेटिंग्स देखनी है। इसके अलावा अब इसको अगर हमको बोल्ड करना है तो उसके लिए यहाँ बी पर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो हमारा बोल्ड हो जाएगा। इसको अगर हमको इटालिक करना है मतलब तिरछा करना है तो इटालिक पर जाएंगे तो तिरछा हो गया। अच्छा, जिसको हटाना है, जैसे इटालिक को हमको हटाना है तो उसी के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। बोल्ड को भी हटाना है तो हम बी के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हट जाएगा। इसके नीचे अंडरलाइन लगाना है तो हम जूप पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, अंडरलाइन लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए डबल अंडरलाइन है, हम यहाँ पे जाके सिंगल भी कर सकते हैं। इसका कलर रेड है यहाँ पे तो आप नीचे जाके इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ब्लैक ही कर देंगे तो यहाँ पे ब्लैक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हमारी अंडरलाइन भी हट जाएगी। अब इस फॉन्ट के कलर को अगर हमको चेंज करना है, फिलहाल ये हमारा देखिए ब्लैक है, इसको अगर हमको रेड करना है तो हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए और यहाँ से हमने इसको रेड को सिलेक्ट कर लिया तो हमारा कलर चेंज हो गया फॉन्ट का। इसके बैकग्राउंड में अगर हमको कलर लगाना है मतलब इसको हाईलाइट करना है तो इसके लिए जस्ट इसके साइड में आएंगे और यहाँ पर जो भी कलर हमको देना है वो हम हाईलाइट कर देंगे। अब ये हमारा मास्टर ज्ञान के जो है रेड कलर में, उसके पीछे येलो कलर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके फॉन्ट को चेंज करना है, इसको हटाना है तो यहाँ से हम हटा लेते हैं। नो कलर लिखा है, नो कलर करेंगे हट जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं, इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे और अच्छा यहाँ पे हमने बताया था आपको यहाँ से इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं, इससे भी हमारा साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इससे देखिए इंक्रीज़ हो रहा है साइज और इससे साइज डिक्रीज हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी की जस्ट साइड में एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं चेन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे कुछ लाइन और हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेलकम टू, वेलकम टू मास्टर ज्ञान। अब ये पूरा एक हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अभी अगर हम देखें तो ये इसका जो है सारी चीज़ें सही नहीं, जैसे कि बाकी सब में तो कैपिटल लेटर है पहला वर्ड, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल लेटर में है, लेकिन ट्यू का जो है टी कैपिटल लेटर में नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले ये बोल रहा है सेंटेंस के, सेंटेंस केस में होगा क्या कि जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है इसका सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा वो सिर्फ कैपिटल लेटर में रहेगा, बाकी सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में होंगी। आप ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, जैसे हमने क्लिक किया दोबारा से इसको करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अच्छा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। चलो इसके बाद हम लोअर केस पे आते हैं, लोअर केस के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि जितने भी कैरेक्टर हमारे कैपिटल लेटर में थे वो भी सब स्मॉल लेटर में हो गए, जैसे यहाँ पे W था, यहाँ पे M था, यहाँ पे G था, तो सारे के सारे स्मॉल लेटर में हो गए। ऐसे ही यहाँ पर अपर केस का मामला है, अगर अपर केस पे हम क्लिक करेंगे तो सारे के सारे लेटर हमारे अपर केस में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं और क्या है इसके अंदर, यहाँ पे देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें कह रहा है कि हर लेटर कैपिटल लेटर में रहेगा, पहला लेटर, बाकी सारे स्मॉल लेटर में, जैसे वेलकम का W कैपिटल लेटर में होगा, T2 का जो है T रहेगा और मास्टर का M रहेगा और ज्ञान का G रहेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप वेलकम का जो है W हो गया, T2 का जो है T है, मास्टर का M है और ज्ञान का G है। इसी तरीके से यहाँ पर टॉगल केस है, टॉगल केस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में हो गया, बाकी सारे कैपिटल लेटर में हो गए, तो हम ज़्यादातर इसको सेंटेंस केस में रखते हैं, इसको सेंटेंस केस में ही हम रखेंगे, पहला लेटर सिर्फ कैपिटल लेटर में है बाकी सारे स्मॉल लेटर में है, तो ये चीज़ हो गई।
अच्छा, अब इसके स्टाइल को अगर चेंज करना है तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे लिखा टेक्स्ट इफेक्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जिस स्टाइल में आप चाहते हैं उस स्टाइल में इसको कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि इसका जो है कलर वगैरह चेंज हो गया है और इसकी स्टाइल भी चेंज हुई है। और भी इसके स्टाइल को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे नीचे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, तो आउटलाइन अगर हम यहाँ पे रेड कर देंगे तो आप ध्यान दीजिए वहाँ पर रेड हो रहा है, अगर हम येलो कर रहे हैं तो येलो हो रहा है, जैसे भी करना चाहें। ये देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी आउटलाइन आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी। हम इसको इतना बड़ा कर दिए हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए इसकी आउटलाइन जो है वो पीले कलर की आपको लग रही है। अब सिर्फ इसी को हम सेलेक्ट कर देते हैं और इसके ऊपर चेंजेस करके देखते हैं। दोबारा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं शेडो की बात कर रहा है, तो शेडो आपको किस तरीके से देना है ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे यहाँ पे शेडो लगे, हमने यहाँ वाले पे क्लिक कर दिया तो देखिए टू और वेलकम में देखो कितना डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे शेडो किस तरीके से आया है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें देखते हैं क्या है यहाँ पर, जैसा रिफ्लेक्शन यहाँ पे बता रहा है। अच्छा, शेडो का आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन पे आएंगे शेडो ऑप्शन पर, तो यहाँ पे आप कलर यहाँ इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको जो है येलो कलर में ले लेते हैं और इसको कट कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये शेडो आपको येलो कलर में हो गया, तो शेडो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन किस तरीके से आपको देना, ये देखिए जस्ट सेम टू सेम वैसे ही ऊपर वाला नीचे बिल्कुल दिखा रहा है वेलकम, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी है। और इसके बाद क्या ग्लो, अगर इसको देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, देखो ग्लो कर रहा है चारों तरफ, हमारे जो है एक मोटी आउटलाइन लग गई है वो भी ऑरेंज कलर की, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अच्छा, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो चार चीज़ें और हैं, उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और अब हम इंटर करेंगे और सिंपल सारी चीज़ें हटा के देखें आता है कि नहीं आता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने H2O लिखा, आप लोगों ने देखा होगा कि साइंस वगैरह में H2O रहता है या खाद वगैरह लगाना होता है, तो टू जो होता है वो नीचे की साइड में होता है। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ये है सब स्क्रिप्ट, इसकी आप शॉर्टकट की भी देख सकते हैं, कंट्रोल उसके बाद में इक्वल, कंट्रोल के साथ इक्वल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। ऐसे ही 15 का स्क्वायर करना है तो ये 2 को हमको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको हमने सेलेक्ट किया और उसी की जस्ट साइड में हम आएंगे तो इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस हम प्रेस करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये हमारा स्क्वायर में तब्दील हो गया। तो ये था आज का हमारा पहला वीडियो MS वर्ड के ऊपर, आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा हम इसको लॉन्ग नहीं करना चाहते। इसी तरीके से हम वो जो है मैं क्लासे लेते रहेंगे MS Word के, धीरे धीरे पूरे MS Word को हम कंप्लीट करेंगे।